हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। तो बात करते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका T20 लीग जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया, बस कुछ ही लीग मैच बचे हुए हैं। उसके पहले तीन टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें बात करते हैं दरबन है, सनराइजर्स और पाल है। अब वही प्लेऑफ के लिए एक टीम की जगह बची है, जिसके लिए बाकी तीन टीमों फाइट होगा। जो अपने बचे हुए मैच जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 29वें मैच की, जो कि खेला जाएगा जोबर्ग सुपर किंग्स और दरबन सुपर जायंट्स के बीच में। यह मैच 3 फरवरी को वांडर जोबर्ग स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% देख सकते हैं, टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 33% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 137 है, तो वही सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 140 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे जोबर्ग सुपर किंग्स 2 मैच जीत के आए, तो वही दरबन सुपर जायंट्स 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे, और व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम दरबन सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस करके हर एक मैच में अपना झंडा फहरा रही है। वहीं टीम ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें से 7 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच में हार के आ रही है। वही अगर लास्ट 4 गेम की बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस का जीत के आ रही है, टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर गई है। टीम 32 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है, जहां पे केशव महाराज जो टीम के कैप्टन है, वही टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत लॉन्ग है। टीम को ओपनिंग में जहां पे टॉनी दे जॉर्जी एंड बीजी जो अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं, बीजी जो लास्ट में 73 रन बनाए थे, बीजी टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। नंबर 3 पे डिकॉक खेल रहे हैं, नंबर 4 पे जे स्मूथ जो कि अच्छे फॉर्म में आके है। टीम के पास मजबूत मिडिल ऑर्डर भी है, जहां पे कीमो पॉल है, हैनी क्लासन है, जो टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। बॉलिंग में बात करें तो लास्ट मैच में सुपर हिट थी, बॉलिंग अटैक में देसी टोपले की जगह आए हैं जूनियर डाल, जो लास्ट गेम में 5 विकेट निकाले थे, न्यू वर्ल्ड से विकेट भी दिला रहे हैं। वहीं पे नवीन उलहक इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं, नूर अहमद जो सबसे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, कीमो पॉल बहुत महंगे रहे थे, केशव महाराज के पास काफ़ी एक्सपीरियंस और टीम को उनसे अच्छे स्पेल की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे केशव महाराज जो कि कप्तानी संभाले हुए, क्वेंटिन डिकॉक है, मैथ्यू है, जे स्मूथ है, टॉनी द जॉर्जी, कीमो पॉल, हैनी क्लासन, वैन मुल्डर, जूनियर डाला, नवीन उलहक का, नूर अहमद है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे क्वेंटिन डिकॉक है, हैनी क्लासन और केशव महाराज है। बात करते हैं दूसरी टीम जोबर्ग सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस किया जाए, जहाँ पे यह टीम का लास्ट लीग मैच है। इस वक्त टीम का बहुत स्लो में परफॉर्मेंस चल रही है, टीम अब तक 9 मैच खेले, जिसमें से 2 मैच जीत के आ रही है और 5 हार के साथ पॉइंट टेबल नंबर 4 पर स्टेबल। टीम के पास चांस है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का, अगर टीम यह मैच जीत लेती है। लास्ट गेम की बात करें तो MI से हराया, जिससे टीम को कॉन्फिडेंस गेन हुआ थोड़ा बहुत। वहीं जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान जहाँ पे फैफ डुप्लेसिस है, टीम की बैटिंग फ्लॉप चल रही है, लास्ट गेम में बैटिंग बुरी तरह पिट गई थी। वहीं ओपनिंग में बात करें तो डुप्लेसिस या लियू दो फ्लोपी जो कि डिप्लोसिस अभी भी फॉर्म में चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बहुत वीक दिख रहा है, जिसमें रिजा हैंड्रिक्स है, वैनी मैक्सन है, लिव द फ्लूपी जो टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। विकेट कीपिंग में जहां पे डिवॉन फेरेरिया है, लोअर ऑर्डर में मोइन अली भी शामिल है, बॉलिंग अटैक में डॉल ब्रेसवेल है, टीम जो न्यू प्लेयर ऐड हुए हैं जो नादे बर्ग टीम को लीड कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे इमरान ताही को ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, लिजार्ड विलियम्स जो कि 12 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे फाइव डुप्लेसिस जो कि कप्तानी संभाले हुए हैं, रिजा हैंड्रिक्स है, मोइन अली, लियू देव फ्लूपी है, वैनी मैक्सन, डिनो फेरेरिया, काइल साइमंड्स है, ड्रॉन बेसवेल, नादे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स, इमरान ताही। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे डुप्लेसिस है, नादे बर्गर, रिजा हैंड्रिक्स है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर जोबर्ग सुपर किंग्स है, क्योंकि जोबर्ग सुपर किंग्स के पास यह लास्ट मौका होगा यह मैच जीतने के लिए, अगर यह मैच जीतती हो तो क्वालिफाई कर सकती है, यहाँ पे सुपर जायंट्स को हार मिल सकते। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।